हेलो फ्रेंड्स, अगर आप अपने वाहन के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ऑर्डर करना चाहते हैं, क्योंकि परिवहन विभाग ने प्रत्येक वाहन के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट कंपलसरी कर दिया है, और अगर आपके वाहन पे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होगी तो आपका चालान भी कट सकता है। तो आज की इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ बताने वाला हूँ कि आप अपने वाहन, जैसे कि कार, बाइक या अन्य कोई भी वाहन हो, उसके लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट किस तरीके से ऑर्डर कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और साथ ही इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ही दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। किसी भी वाहन की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ऑर्डर करने के लिए सबसे पहले हम किसी भी ब्राउजर को ओपन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया है और सर्च बार में टाइप करेंगे HSRP। टाइप करने के बाद हम सर्च करेंगे। अब यहाँ पर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद पहले नंबर की आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी, bookmyhsrp.com। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा और आप HSRP की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। और इस पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली इस पेज पर आ सकते हैं। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन मिल जाता है रजिस्ट्रेशन प्लेट विद कलर स्टिकर। अगर आप रजिस्ट्रेशन प्लेट और कलर स्टिकर दोनों एक साथ ऑर्डर करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आप ओनली स्टिकर ही स्टिकर ऑर्डर करना चाहते हो तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मैं प्लेट और स्टिकर दोनों ऑर्डर करना चाहता हूँ तो फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हीकल्स इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आपको व्हीकल्स की इन्फॉर्मेशन टाइप कर देनी है। तो सबसे पहला ऑप्शन मिल जाता है स्टेट का, यहाँ से जो भी स्टेट है उसे सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है रजिस्ट्रेशन नंबर। जो भी आपके वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर है उसे यहाँ पर टाइप करेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करने का नीचे आपको ऑप्शन जाता है चेस नंबर। जो भी आपके वाहन का चेस नंबर है उसके यहाँ पे लास्ट के 5 अंक टाइप करेंगे। चेस नंबर टाइप करने का नीचे आपको ऑप्शन जाता है इंजन नंबर। जो भी आपका इंजन नंबर है यहाँ पर भी आपको इंजन नंबर के पीछे के 5 अंक टाइप कर लेने हैं। इंजन नंबर टाइप करने का नीचे आपको कैप्चा कोड देखने को मिल जाता है। इस कैप्चा कोड को हम नीचे टाइप कर लेंगे। कैप्चा कोड टाइप करने का नीचे आपको बटन मिल जाएगा क्लिक ईयर का, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक ईयर पे क्लिक करते ही आपने जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप किया था उसकी सारी डिटेल्स निकल कर आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी वाहन है वो BS4 है, उसकी रजिस्ट्रेशन डेट देख सकते हैं, इसके नीचे फ्यूल टाइप देख सकते हैं, मेकर देख सकते हैं यानी किस कंपनी ने इसको बनाया है, नीचे व्हीकल्स टाइप देख सकते हैं, इसके नीचे व्हीकल्स कैटेगरी देख सकते हैं, और इसके नीचे फिर से आपको ऑप्शन मिल जाता है व्हीकल्स कैटेगरी का, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से अपने व्हीकल्स की कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर स्कूटर है तो स्कूटर पर क्लिक करेंगे, और अगर आपकी मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल पर क्लिक करेंगे। तो मेरा स्कूटर है, इस पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर वाहन के ऑनर की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को फिल करेंगे। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन मिल जाता है ऑनर नेम। जो भी वाहन का ऑनर है उसका यहाँ पर नाम टाइप करेंगे। ऑनर का नाम टाइप करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है ईमेल आईडी। अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो उसे यहाँ पर टाइप कर देंगे, और अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो इसे खाली छोड़ देंगे। इसके नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है मोबाइल नंबर। जो भी आपके पास मोबाइल नंबर अवेलेबल है उसे यहाँ पर टाइप करेंगे। और ये जरूरी नहीं है आपका मोबाइल नंबर RC में रजिस्टर्ड हो, वही टाइप होगा। यहाँ पर कोई भी अदर नंबर टाइप कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर टाइप करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन जाता है बिलिंग एड्रेस। इस नंबर प्लेट को आप किस जगह मंगाना चाहते हैं उस जगह का यहाँ पर एड्रेस टाइप करेंगे। बिलिंग एड्रेस टाइप करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन जाएगा स्टेट का। जो भी आपकी स्टेट है यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन जाएगा सिटी का। जो भी आपकी सिटी है उसका नाम यहाँ पे टाइप करेंगे। सिटी टाइप करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा GST नंबर। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास GST नंबर है तो यहाँ पे टाइप कर देंगे, और अगर आपके पास GST नंबर नहीं है तो इसे खाली छोड़ देंगे। उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको बटन मिल जाता है नेक्स्ट का, इस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही जो भी आपने मोबाइल नंबर को टाइप किया था उस पर OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे टाइप करेंगे। OTP टाइप करने के बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप अपनी नंबर प्लेट को घर पर डिलीवरी कराना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है डीलर अपॉइंटमेंट। अगर आप किसी डीलर पर इसे मंगाना चाहते हैं तो डीलर अपॉइंटमेंट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आप हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को अपने घर पर डिलीवरी कराना चाहते हैं तो आपको यह हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अपने वाहन में लगाने में प्रॉब्लम भी हो सकती है, और अगर आप इस हाई सिक्योरिटी प्लेट को आप किसी डीलर पर मंगाते हैं तो वो डीलर आपके वाहन में इस प्लेट को कम्प्लीटली इंस्टॉल करके देगा। तो यहाँ पर मैं इस प्लेट को डीलर पर मंगाना चाहता हूँ तो डीलर अपॉइंटमेंट पर क्लिक करेंगे। डीलर अपॉइंटमेंट पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं डीलर अपॉइंटमेंट। इसके नीचे आप देख सकते हैं जो भी आपकी स्टेट है वो ऑटोमेटिकली आ चुकी है। इसके नीचे आपको ऑप्शन जाता है ऑल का। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसे यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन जाता है सर्च डीलर पिन कोड। जो भी आपके एरिया का पिन कोड है उसको यहाँ पे टाइप करेंगे। पिन कोड टाइप करते ही आपके एरिया में उस कंपनी के जितने भी डीलर हैं उनकी लिस्ट निकलकर आपके सामने आ जाएगी। जो भी आपके नज़दीकी डीलर है उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो फिलहाल मेरी एरिया में एक ही डीलर है तो यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ।
क्लिक करते ही उस डीलर की सारी डिटेल्स निकल कर आ जाएगी। यहाँ पर सिटी देख सकते हैं, जो भी एड्रेस है वो यहाँ पर देख सकते हैं, और नीचे आप देख सकते हैं जो भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की रेट है वो रेट आप यहाँ से देख सकते हैं। यानी कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को आपको लगवाने के लिए 377.60 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। तो नीचे आपको ऑप्शन जाता है कन्फर्म डीलर का, इस पर क्लिक करेंगे। कन्फर्म डीलर पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्ट अपॉइंटमेंट डेट एंड टाइम, आप जिस भी डेट को इस नंबर प्लेट को अपने बाइक में लगवाना चाहते हैं उस डेट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मुझे 12 तारीख की डेट मिली है इस नंबर प्लेट को लगवाने के लिए, तो यहाँ पर मैं 12 तारीख को नहीं लगवाना चाहता, तो फिलहाल मैं अपनी डेट को 15 तारीख को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कन्फर्म टाइम, यहाँ पर अपने टाइम को कन्फर्म करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 से 12 यानी कि नॉट अवेलेबल, यहाँ पर 10 से 12 में ये अवेलेबल नहीं है, तो जो भी टाइम यहाँ पर अवेलेबल है उस टाइम को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। टाइम को सिलेक्ट करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन जाता है कन्फर्म एंड प्रोसीड का, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपके सामने समरी ओपन होकर आ जाएगी, जो भी आपने डिटेल्स को फिल किया था यहाँ से वो चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको बटन मिल जाता है कन्फर्म एंड प्रोसीड का, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आ जाएगा। यहाँ पर ऊपर की ओर आप देख सकते हैं वेरीफाई डिटेल्स एंड पे, इसके नीचे ऑनर का नाम देख सकते हैं, और जो भी आपने पहले मोबाइल नंबर टाइप किया था वो नंबर आप देख सकते हैं, इसके नीचे बिलिंग एड्रेस देख सकते हैं, ईमेल आईडी देख सकते हैं, और नीचे आपको मिल जाता है सेम एज प्रीवियस मोबाइल नंबर। अगर आप पुराना वाला ही मोबाइल नंबर रखना चाहते हो तो इस पर क्लिक करेंगे, और अगर आप कोई दूसरा मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन में उस नंबर को टाइप कर देंगे। तो यहाँ पर मैं पुराने वाले मोबाइल नंबर को रखना चाहता हूँ, तो सेम एज प्रीवियस मोबाइल पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने पहले मोबाइल नंबर टाइप किया था वो नीचे आ चुका है। अब यहाँ पर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एड पार्क प्लस फास्टैग, अगर आप फास्टैग को मंगाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, और जो भी फास्टैग का चार्ज है यहाँ पर आप देख सकते हैं 99 रुपये का, और इसे अगर आप नहीं मंगाना चाहते तो इसे खाली छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद जो भी चार्ज है वो यहाँ से आप देख सकते हैं, और नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको आई एग्री का बटन देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन जाता है पे ऑनलाइन, इस पर क्लिक करेंगे। पे ऑनलाइन पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आ जाएगा, और आप पेमेंट गेटवे के पेज पर आ जाएंगे। आप जिस भी मेथड से इसका पेमेंट करना चाहते हो उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से वॉलेट फ़ोनपे में क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन जाता है पे का, इस पर क्लिक करेंगे। पे पर क्लिक करते ही जो भी चार्ज है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। देखने के बाद नीचे आपको ऑप्शन जाता है कंटिन्यू का, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही जो भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का चार्ज था वो आपके अकाउंट से कट जाएगा, और चार्ज करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिसिप्ट ऑफ पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट, यहाँ पर आपको रिसिप्ट को डाउनलोड करने के लिए दो ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन है क्यूआर कोड, किसी अदर फोन से इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप किसी अदर फोन में इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है प्रिंट का, इस पर क्लिक करके आप इस अपॉइंटमेंट स्लिप को डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसकी प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। प्रिंट निकालने के बाद आपने जो भी डेट को सिलेक्ट किया था उस डेट को आप डीलर के पास जाएंगे, और इस स्लिप को दिखाकर आप अपने वाहन की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लगवा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने वाहन के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।